पर एक बात आप हमेशा हमारी क्या कहें, कान खोल के सुनो, या यूं कहें पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि हम जितने बार वचन करते हैं, जब भी आप काट करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका दर्द हमारे दिलो दिमाग में बहुत रहता है कि हमने तो रोकना चाहा पर आप मानते नहीं, तो वो खमियाजा भुगतना पड़ा। उसको कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि पहले एडवांस में हम बहुत कह देते हैं। तो आज भी आप सब ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़ के, आप हमारे बच्चे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जब भी सत्संग से वापस जाते हैं, सेवा से वापस जाते हैं, आराम से जाया करो। जब तक घर नहीं पहुंचते, सतगुरु मौला से यही दुआ है कि आपकी हाजिरी भंडारे से बढ़ के लगती रहे, खुशियां घर परिवार में आती रहे। दूसरी बात, कई बार होता है जैसे मुंबई सफाई महाभियान बहुत दूर था और वहां हमने एक स्पेशल वचन मालिक ने हमारे मुंह से निकलवाया, क्योंकि माइक नहीं बोलता, कि आप यहीं सो जाना, या तो सोने के बाद जाना, पर अभी चलना है तो चल पड़ना, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे नींद आने लगे तो रोड से गाड़ी दूर ले जाना और वहां कहीं भी मैदान में या कहीं जाके रुक के आराम कर लेना, तो खुशियां इतनी मिलेंगी पौबरा पच्ची। साथ में यह भी वचन हो गया कि अगर आप ये वचन नहीं मानेंगे तो कौन सा पच्ची और कौन सी पो। शायद आपको याद हो, हम अपना वचन सतगुरु का ज्यों का त्यों याद रहता है। जी याद है, आप सबको याद है, ठीक है बेटा। तो जब उसमें कोई नहीं मानता उस चीज को, मालिक एक बार भी बचाए, दो बार भी बचाए, तीन बार भी बचाए, अब चार चार बार वचन काट ही करता ही जाए, तो फिर वो बड़ा ही दर्द होता है। हालांकि कोई ऐसे में कुछ होता है तो मालिक गोद में तो अपने बिठा के ले जाते हैं, वो तो संभाल करेंगे 100% हमारे कहने से नहीं, वो तो 100% उसे अपने जो कोई सेवा में जाता है या ऐसा होता है, उसको क्या, उसके परिवार को भी ऊंची पदवी मिलती है जो सेवा में जाती है, जाना तो दुनिया से होता है, लेकिन क्या पता मौत जैसे कर्म को मालिक यूं बदल के रख दे, क्या पता अगर आप मान लो। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, ऐसे धक्का मत किया करो कि नहीं चलने दे कुछ नहीं, चलने दे कुछ नहीं, ये क्या कुछ नहीं क्या होता है। आपसे विनती हाथ जोड़ के बारंबार, ऐसा मत किया करो, नींद आने लगती है तो आप आराम से गाड़ी को साइड में ले जाओ, कोई शर्म की बात नहीं होती, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, साइड पे ले जाओ, यहां डरना, आराम से आराम करो, फिर दो चार घंटे के बाद फिर चले जाना, क्या फर्क पड़ता है। वो जो होनी होती है वो समय में हो सकता है, इस कलयुग में काल का जोर है तो मालिक का इतना जोर, मौत को भी टाल दे, क्या पता, उस भगवान का क्या पता, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, ये बात आप आगे से आगे भी बताना, सबको समझाना कि हमारी बात माना करो, हमारे बच्चों हमें सबसे ज्यादा दर्द रहता है इस बात का। फिर आप कहते हो पिताजी आराम कर लो, आराम करें तो करें कैसे जब आप वचन नहीं मानते, ऐसी चीजों में नहीं मानते, हमारा ध्यान तो कूंज वाली बात है आप में लगा रहता है, क्या कहां है, कैसे, किसे, किधर, कैसे, पर जब आप एक बार नहीं रुके, दो बार रोक दिया, तीन बार नहीं, तो आप क्या करें बताइए। क्योंकि फकीर भी संत भी दायरे में बंधे होते हैं, उससे ज्यादा वो आगे नहीं जा पाते, उससे सतगुरु मौला तो उससे कई गुणा आगे ले जा रहे हैं हमें, ये उनका रहमत है। आप लोगों पे बहुत बड़ी कृपा कर रखी है कि वो हमें इतना आगे ले जाते हैं कि जो पहले कोई फकीर शायद ही गया हो, कि इतना जहरा तौर पे किसी ने कहा हो, तो ये सतगुरु ही है, शाह सतनाम शाह मस्तान, जो हमारे द्वारा कहलवा देते हैं। तो फिर भी आप नहीं मानते तो उसमें फिर आपको जो मुश्किलें आती हैं, जो नरक आपकी जिंदगी बनती है, वो दुख लगता है हमें। तो हाथ जोड़ के विनती यही है, वचनों पे अमल किया करो बेटा, आराम से जाना, लंगर भोजन खाओ आराम से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मालिक कोई एक दिन अगर एब्सेंट भी लग जाती है ना, पता नहीं कितनी प्रेजेंट उसके बदले में मालिक आपकी दरगाह में लगा देगा। और क्या चाहिए आपको, कितनी तनख्वाह होगी आपकी एक दिन की, लाख रुपया, क्या पता मालिक करोड़ बख्श दे, फिर बताओ क्या कर लोगे। और हो सकता है उसे एक लाख के लिए भाग रहे हो, जिंदगी लाख से ज्यादा कीमती है, लाख ज्यादा कीमती, लाख तो शायद किसी किसी की होगी, 1500 में ही रह जाते हैं सिमट के। तो इसलिए विनती है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, जब वचन हो उन पे 100% अमल जरूर किया करो, ये उसमें बहुत बड़ा राज होता है। शायद ये बात हमारे शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी ने वहां भी मुंबई में भी कहलवाई थी कि इसमें राज है, आप अमल करना। तो आपसे विनती है कि आप अमल किया करें बेटा, बारंबार आपसे विनती प्रार्थना कि इसको आप मजाक मत समझा करो। जितनी बार भी जितने लोगों ने इसे समझा, चाहे वो मालिक की गोद में गए, मालिक ने 100% उन्हें संभाला,
पर हमारे तो दर्द रहता है कि हां हमारी बात को क्यों नहीं माना, अगर मान लेते तो शायद ये मालिक ना होने देता, क्योंकि उसकी ताकत बेइंतहा है, बेइंतहा कहने सुनने से परे है, तो वो मौत को भी जिंदगी में बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए आपसे विनती, आप पूरा पूरा अमल किया करें।